जी कादर। अदर काफ़ी प्लेयर से पता लगा था कि यूनुस खान से काफ़ी प्लेयर इस वजह से नाराज़ भी थे कि वो उनकी बैटिंग जो ग्रिप हैं, टेक्निक्स हैं, वो चेंज करवा दें, स्टाइल चेंज करवा रहे थे। और यूसुफ से काफ़ी कुछ दिखाई देते थे कि यूसुफ जो है उनकी टेक्निक बेहतर बनवा रहे हैं, चेंज नहीं करवा रहे थे। इस प्रोफेशनल प्लेयर में जब ये प्रो प्लेयर होते हैं, इनको कितनी ज़रूरत होती है कि उनकी ग्रिप चेंज करवाई जाए या उनका स्टांस चेंज करवाया जाए? नहीं, मेरा ख्याल है कि ये मैं भी उनके साथ काफ़ी देर रहा हूँ, यूनुस भाई के साथ, तो वो मेंटली तौर पे स्किल लेवल पे जो जो हमारी कमी होती है उस पर काम करवाते थे। जहाँ भी हम कोची मिसबा भाई हैं, यूनुस भाई हैं, या हम एनएचपीसी में हमारे यूसुफ भाई हैं, तो वो बेसिकली हमारी स्किल लेवल पे जो हमारी बेहतरी हम कर सकते हैं तो उसको वो ट्यूनिंग करते हैं। तो चेंज करना प्लेयर ने खुद ही अपने मेंटली तौर पर अपने आप को तैयार करना है। तो मेरा भी ख्याल कि अगर वो अच्छी चीज़ मिलेगी तो वो प्लेयर के लिए हेल्पफुल है, तो जो नहीं बुरी जो बुरी चीज़ होगी तो वो नहीं अपनाएगा। दैट्स इट। बिलाल, आप नेशनल टीम के साथ पहली दफा कैरियर में जा रहे हैं, तो क्रिकेट का क्या कुछ बेसिकली नया बॉल जहाँ भी खेलूँगा वहाँ पर मुश्किल तो आती ही है। ओपनर के लिए ऑब्वियसली नया बॉल खेलना वो थोड़ा मुश्किल होता है, तो उसकी तैयारी होती है, तो वो तैयारी मैं कर रहा हूँ। तो ऑब्वियसली जो टीम की रिक्वायरमेंट होती है, प्लान के मुताबिक जो खेलना होता है, तो उसको मैं कंटिन्यू रखूँगा। तो ऑब्वियसली जो हम लोग वीडियोज़ देखते हैं और जो अभी वेस्ट इंडीज़ की जो मैचेस हो रहे हैं तो वो वॉच कर रहा हूँ मैं, तो उसको दिमाग में रख के तो उसकी तैयारी कर रहा हूँ मैं। जी आप सबका बहुत शुक्रिया इधर आने का। हमारे साथ मौजूद है आबिद अली, ये नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर के कैंप के अंदर मौजूद थे। मैं चाहूँगा आबिद पहले आप अपनी ओपनिंग स्टेटमेंट दें और फिर हम सवाल आपकी तरफ जाएंगे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सबको। ऑफ सीज़न था, हमारा कैंप लगा था, एनएचपीसी ने जो कैंप लगाया था, तो उसमें हमने बड़ी अच्छी तैयारी की है, बहुत अच्छा हमारा कैंप गुजरा। आज लास्ट डे है, तो इस कैंप के बारे में मैं ये बताना चाहता हूँ कि इसमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला। जो अपकमिंग सीरीज़ आ रही है उसकी तैयारी हमें करने को काफ़ी मिली है, और बहुत अच्छे अच्छे हमें मेंटली तौर पे लेक्चर हमें दिए गए, और लेजेंड जितने भी हमारे क्रिकेटर्स हैं उन्होंने हमें लेक्चर दिए, तो उससे ज़्यादा हमें मोटिवेशन मिली है। और स्किल लेवल पे हमें बहुत अच्छा मोहम्मद यूसुफ जो हमारे बैटिंग कोच थे और जितने भी एनएचपीसी के हमारे ऑल कोचिंग स्टाफ था, उन्होंने हमारी स्किल्स लेवल पर मेंटली तौर पर उन्होंने काफ़ी हेल्प की है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा कैंप जा रहा है और काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। थैंक यू। जी शेख साहब, आप पहले सवाल। एक्चुअली सबसे पहले तो जो गोल है वो तो मेरा यही है कि मैं जहाँ जहाँ भी मैचेस खेलूँ तो वहाँ पाकिस्तान के लिए अच्छी अच्छी इनिंग खेलूं, और जो भी रिक्वायरमेंट होती है अपना गोल्स यही है कि मैं बेस्ट करूं। और दूसरी बात यह है कि यूनुस भाई की ऑब्वियसली वो लेजेंडली हमारे कोच थे, तो उनका पर्सनल डिसीजन है कि पीसीबी और उनको पता है कि, लेकिन मैं कमी ज़रूर उनकी महसूस करूंगा। तो अभी हम एतना पीसी में जो हम बैटिंग कोच हमारे यूसुफ भाई उनसे काफ़ी कुछ सीख रहे हैं, तो कोशिश करूंगा कि आगे जितने भी जो जो साथ हैं हम उनसे लर्निंग प्रोसेस करता रहूं। जी कादर, आप अपने ओके। जी सवाल एक्चुअली मेरा काम है कोशिश करना, और जहाँ जहाँ भी मैच होगा मेरा काम है फोकस और अपनी ट्रेनिंग करते रहना, और कोचिंग स्टाफ हमें सिर्फ हेल्प कर सकते हैं। तो मेरी यही टारगेट होता है, मेरा यही प्लान होता है कि मैं अपना 100% दूँ। करवाने वाली ज़ात अल्लाह की है, वो बेस्ट प्लानर हैं, तो जो भी मैं कर सकता हूँ वो अपना 100% देता हूँ। जी लास्ट क्वेश्चन, आबिद लास्ट सीरीज आपकी काफ़ी पहले से अच्छी रही, आपको मौका दिया गया, आबिद को भी और इमरान को भी, दोनों को। आप वेस्ट इंडीज़ में जा रहे हैं, पीछे शान महसूस भी
PSL में भी अच्छे टच में नजर आए हैं, इमामुल हक भी हैं, इन दोनों ओपनर्स का होते हुए कितना आपको प्रेशर होगा कि पाइपलाइन में वो मौजूद हैं, तो किस माइंडसेट के साथ जो है वेस्ट इंडीज़ के टूर को अप्रोच करेंगे? एक्चुअली माइंडसेट मेरा यही होता है कि मैंने जो भी मैच खेलना है वो लास्ट मैच समझ के खेलना है, और जो भी भाई मेरे साथ पार्टनर आएगा तो उसके साथ टीम की जो रिक्वायरमेंट होगी उसके मुताबिक खेलना है। मेरा माइंडसेट यही होता है कि बिल्कुल अपने आप को पॉजिटिव रखना है और अपना 100% देना है। थैंक यू सो मच मैम।